मालूम हुआ कुछ आपको? माहेश्वरी रुतमाशा इच मंदर कारण दागवाए सीने कम कर दुगुल दानने जरा सा आराम ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, क्या कहने। अरे साहब, मेरे दिल में गुजर रही है जो मैं गा रहा हूँ जरूर, मगर जो तकलीफ मुझे हो रही है मैं जानता हूँ। हम लोग तो ये सोच रहे हैं आपने क्या व्यास किया इसको, रियाज है और सोच है। देखिए सबसे बड़ी बात है इसको, इसका आप ना पूछिए कि मैंने क्या रियाज किया है। बस यही मेरा, मेरी उम्र इसमें ही गुजरी, रियाज में और बच्चे बताने में। ये चार पांच शागिर्द जो हैं मेरे, ज़्यादा नहीं हैं, 10-20-50 नहीं किए मैंने शागिर्द उनसे पैसे लेने के लिए वास्ते, या मैं यहाँ से पटना चला गया तो उनके घर पर रह के मैं खाऊं पीऊं मज़ा करूं चलते वक्त मुझे नजराना भी दें, ऐसा मैंने आज तक नहीं किया। और जो शागिर्द ने दिया भी तो उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, अपना खर्च करके अपना पैसा देके। अभी गोस्वामी था मेरे पास, 8 बरस रहा वहाँ, बीच में चला आया था, गाने लगा था कमबख्त, छोड़ दिया उसने। वो यहाँ भी बगैर मेरे कहे बैठ गया था, तुमने उसे नापास कर दिया था, बैठा था वो। मैंने कहा तुमने मुझसे कहा था मैं तुझे 2-3 महीने गवा के और फिर मैं खुद लेके जाके बिठालता। खैर बहरहाल इतना गाना उसे आ गया, अब वो उसने पिलानी में है, कम से कम 2000 रुपये उसको तनख्वाह है स्कूल में, कुछ डिग्रियाँ भी हैं उसके पास और थोड़ा सा गा भी लेता है वो। मगर तो वो ये कहता था कि खान साहब क्या रियाज है आपका, कि किस, अब हमने देखा ही नहीं कभी आपको रियाज करते हुए, मगर जिस वक्त आप गाने बैठते हैं तो वही बात आ जाती है अपनी। तो मैंने कहा ये सब पहले की कुदरत की करीमी है और उसका इनायत है मुझसे जो हो जाती है। तो आप जाएंगे? हाँ जाइए आप, नहीं जाइए जाइए, हाँ कल मैं दिन को हाँ आ जाओ, एक आध चीज़ और गा लूँगा मैं, उसके बाद में फिर ख़त्म कर दूँगा क्योंकि नमाज का भी टाइम आ रहा है मेरी। ओहो 12:20 हो गए भाई। ये चीज़ तो ऐसी है कि अगर दिल लगता है और सामईन अच्छे हैं और सुनने वाले अच्छे हैं तो एक चीज़ में 2-2 घंटे निकल जाते हैं। भुलाबाई इंस्टीट्यूट में सोली बाटी वहाँ आप गए थे तिलक कामोद का तराना। अच्छा, एक घंटा
अभी भी मुझे वो हाँ याद है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे तराने पे और लय बढ़ने पे तो लोग खड़े होकर नाचे हैं। अरे क्या कह रहे हैं, खासा नाच रहे हैं गो लय में। याद बारसी बम्बई में जी। तवलिये बदल गए मेरे हाँ। एक थक गए तो दूसरे ने ले लिया, इतनी लय गाया करता था तराने। मगर ठीक है, बोल लेता था मैं तो तब्बों का नहीं ठेगा नादी दिन ना कहो गट्टे निकल जाते हैं नादी दिन ना कहने में सही माने। और वैसे नादी ये करने में हाँ ये तो अपने वो निकाल लिए तुरफ लगा दी है कि नादी दिन बच्चे बच्चे नादी दिन ना नादी ये बढ़ो नादी दिन ना नादी दिन आदमी चलता जाए बढ़ो तो देखो कितना बढ़ोगे तुम। ऐसी एक ताले में धिंदे धाधर तू ना करता धाधर धन्ना। अब उस आगे जाके क्या होता घेने धागे तुम ना करती धागे दिन घेने धागे तू ना करती धागे दिन घेने धागे तू ना वो होते तब वो हो जाती है वो वहाँ जाएगा ऊपर। और धिन धिन धाधर तू ना करता धाधर धन्ना ये नहीं बढ़ सकते ना ठेका दो भाई या मानो इसे। इसी बात में तो इंदौर में हो गई थी वो धूल जी थे इंदौर में नहीं है सुना था उनकी हालत थी कि ना कोई गाना गाने बैठा करता था तो गाना ख़राब कर दिया करते थे। अरे भाई मैं आप पे सवाल करता हूँ, पहले ये मुझे बताइए कि आप सोलो बजाएंगे जिस वक्त तो ये हारमोनियम में क्या नगमा कहेंगे ना या सरंगी वाला कहेगा। अब वो तो बता रहा वो तो यही करे जा रहे हैं तुम अपने बजाए हैं। अच्छा अगर वो चल देता वो भी ताने जैसे हमारी तान के साथ में या हमारी उपज के साथ में तुम लिपट जाते हो बाते वक्त तबलिए लिपट जाते हैं बहुत से। अगर वो भी लिपट जाए तुम्हारे साथ में तो तुम्हारी लय कहाँ जाएगी है जी। नहीं उसको तो कायदे के अरे क्या करता है तो नगमा दिए दा ऐसा मत करिए फिर गड़बड़ हो जाएगी नगमा दिए दा और तुम अपने तो तुम्हारे तो ठीक है तुम्हारी तो बंदी हुई चीज है अरे तो है नहीं भाई उठाई सो यहाँ रख दी यहाँ से उठाओ यहाँ रख दी गवैये को तुम्हारा तो एक ही है चक्कर चक्करदार गत ले ली या टुकड़े ले लिए या कुछ भी ले लिया समझे आप वो बंदे में वो याद है उस पर रियाज कर लिया वो वहीं आन के बैठ जाएंगे। हमारा रियाज थोड़ी है कि साहब हमें तो गवैये को तो क्या लेना सुर का उसको ध्यान करना पड़ता है कि बेसुर ना हो जाऊँ राग का उसको ख्याल करना पड़ता है कि कहीं बेरागा ना हो जाऊँ तान का उसको ख्याल करना पड़ता है कहाँ तक जाएगी कहाँ से लौट के आऊँगा मुँह देऊँगा है तीन तीन चार चार काम लय का ध्यान रखना भी पड़ता है उसे चार काम लेके चलता है वो गवैया इसीलिए तो गाना सबसे बड़ा है। गाना उत्तम गाना तो है मध्यम बजाना है मगर आजकल गाने वाले के साथ में मध्यम वाले सिर पर सवार हो जाते हैं और ऐसे ही मध्यम वाला उनके सिर पर सवार हो जाए जब वो नगमा दे रहे हैं और वो भी ताने चल लेंगे जैसे तुम वो भी करता रहे तो तुम्हारी लय कहाँ जाएगी बताओ किधर को आओगे तुम बताओ मुझे। देखिए ये नहीं नहीं देखिए ये नहीं नहीं मैं मेरी तुम बहुत अच्छा बस क्या कहने सोलह बजाओ तुम दो घंटे बजाओ बैठ कर सुनेंगे क्या कहने तुम्हारे जवाब नहीं क्या खूबसूरत हाथ है तुम्हारा। तो ये थोड़ी है कि गवैया गाय अरे पहले बुजुर्ग उसने ढग तीन कत्ता कत्ती अभी अरे क्या कर रहा है अभी गाना बिगड़ा रहा है हमारा क्या मजाल के तिरकुट में जरा लगा दी उन्हें हाँ जी ठेका मजाल नहीं थी। आजकल तो शाबाशी दो के तुम्हारे साथ में लिपट जाते हैं भाई क्या करें वो सर्कल बना के लिपटना पड़ता है अब नहीं मानते कोई शुरू हो जाते हैं अपने और बाजे तो ऐसे शुरू होते हैं कि जनाब रेडियो में तो यह हालत है कि जनाब इतना शुरू हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता इतनी लंबी तीन तीन दफे धा दे रहे हैं इधर आ रहे हैं अल्लाह भला खुद ये कोई तबला है तुम्हारा समझ ही नहीं काम करती। हमने भी सोच लिया क्या करना है प्रोग्राम करते पैसे मिलते हैं कि पैसे लेके जेब में डाल के भागे आते तुम जाओ डूबो अच्छा हो तो और बुरा हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो बस नहीं प्रोग्राम करवाओ। और अमल तो रेडियो के प्रोग्राम बहुत बिगड़ गए अब वो बात मिली जो केसर साहब से आह 75% ये था क्लासिकल
75% और 25% ये था आपका लाइक म्यूजिक, उनके जमाने 75%, क्या मजा है, आज कहाँ है 75%, उल्टा हो गया बिल्कुल, आज तो 10% भी मुसीबत है। चाचा आप एक धूलजी खा का वाकया सुना रहे थे इंदौर का? हाँ, धूलजी खा का वाकया सुना रहे थे? अरे हाँ, वो याद नहीं, मुझे भूल गया मैं। और धूलजी खा तो वो बेचारे एक गाने को बैठे, महाराज बैठे हुए थे, तुमने देखा था महाराज को, इंदौर वाले महाराज? एक एक तो बार देखा होगा। नहीं, दरबार में? नहीं, हाँ, क्या दरबार होता था, हाँ दरबार, बहुत बड़ा दरबार हॉल था, एक तरफ गवैये बैठे सितारिये भीमकार और एक तरफ तवायफें लाइन लगी हुई है, तबलिये सरंगिये सब उनके पीछे बैठे हुए हैं तमाम सब, ऐसा अच्छा होता। और महाराज आए निकल के काली शेरवानी पहने हुए, हीरे के बटन लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो इधर उधर ऐसे ऐसे सबका सलाम देती है, तो चक 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 आँखों में हीरे की वो लाइट्स थे, वो आती थी ना पड़ती थी तो आँखों में चकाचौंध मालूम होती थी, इतने आला दर्जे के और बड़े खूबसूरत जवान थे, बैठ गए आन के। आपका गाना अगर पसंद आ गया उन्हें तो एडीसी पीछे बैठा रहता था, बस यूं करके कुछ कहते नहीं थे, उनके इशारे ऐसे थे कि इशारा कुछ ऐसा है कि 500 का भी इशारा है, 1000 का भी इशारा है, 2000 का भी इशारा है, जिसको जैसा उन्होंने दिया यूं देखा और इशारा किया, उतने थाल में भर के रुपए आ गए। अच्छा। और वो आपको दे दिए, उसी वक्त इनाम मिला करता, और अगर गाना पसंद नहीं आया तो ठीक गा के आप गए तो फिर वो बाहर जो जो कुछ होता था वो दे दिया करते थे। तो वो गा रहे थे, उनका गाना ख़राब कर दिया था, बेचारे गा ना सके, इमदाद खान साहब भी बैठे हुए थे, उसके बाद में मजीद खान को बिठा लगा, एक दिन दूसरे दिन मजीद खान को बिठा ला, वही धूल जी बैठ गए, तबला बजा नौकर थे ना वो जी। वो बैठे साहब अच्छा। लगाई उन्होंने टिकड़म बाजू अपने, उन्होंने तरान शुरू कर दिया, रमजान अदर से मजबूर थे, एक ताली की चीज शुरू कर दी उन्होंने और बढ़ाया, अब वो इतना बढ़ गया कि वो धागे दिन गए, तो ना कहते धागे दिन मैंने धागे दिन, नहीं ये नहीं, पूरा ठेका लगाओ, अब पूरा ठेका हो लगा रहे हैं तो लटक रहे हैं, जैसे पतंग के अंदर फुंदना लटकता नहीं नीचे, ऐसे लटक रहे हैं, ऐसे लटक रहे हैं, वो पहुँच ही नहीं रहे हैं, और बढ़ाओ ये करते जा रहे हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब्दुल हक और मंजीत खान बड़ा अच्छा गाते थे, बहुत अच्छे, उनके बाद में फिर गाना नहीं रहा, वैसा गाना नहीं रहा, हमने तो सुना नहीं। तो इमदाद खान साहब ने जब देखा कि अब ये धूल जी छोड़ देगा, बढ़ा नहीं जा रहा है और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पसीना आ गया उन्हें, तो आए खड़े हो गए, आए बेटा आप ख़त्म कर दो, बड़े नीचे तम यहाँ आप हट जाइए, आप हट जाइए, मेरे भाई का इसने गाना ख़राब कर दिया और सबकी इज्जत ख़राब करता है, गए आज मैं इसको बराबर बराबर झंझोड़ के छोड़ूंगा मैं इसे, ये खुद छोड़ेगा तबला मानेगा नहीं, बेटा नौकर है, इसके बच्चों का पेट पे पाँव हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी इसकी अगर ये ऐसा हो गया तो उन्होंने हाथ पकड़ के, बेटा नहीं ऐसा आप छोड़ दो, तो उन्होंने बंद किया, नहीं तो उस दिन मट्टी फलित कर दी थी उन्होंने, यह था साहब जिक्र वहाँ का नहीं बहुत हमारे ये क्या नाम, अरे बाजों में कुछ होती है ऐसी आदत है हमारे, वो अजीम नहीं क्या लौटे, क्या नाम है, निजामुद्दीन भाई के वाले, हाँ क्या नाम, अजीम खान साहब, अजीम खान, उनमें भी ये आदत थी, दिल्ली में नौकर थे रेडियो में, सबके साथ में यही कर रहे हैं, सब ने शिकायत करी, आखिर को हटा दिया, नौकरी से हटा दिया उन्हें, अलहदा कर दिया। नहीं भाई तुम आला दर्जे और आला दर्जे के बजाते हुए थे, याद किरत भी बड़ी अच्छी थी, सब बातें थी उनमें, खैर चलिए।
बंद कर दो क्योंकि तबीयत मेरी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कल करूंगा मैं, समझ गया, बंद कर दो आइए। हाँ तकलीफ हो रही है जरा यहाँ ज्यादा। शुरू करो भाई जी। Hey,
Da 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 da